106 पे हैं। ये स्वाला एक डेंजर जोन जो बना हुआ है, यहाँ पे लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, इससे जो एनएच के कर्मियों को भी काम करने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि लोगों को पैदल यहाँ से बीच बीच में आगे बढ़ाया जा रहा है, जो जरूरी काम है, जरूरी काम के लिए कुछ लोग हैं जो चंपावत और टनकपुर की तरफ जा रहे हैं, तो उनको किसी तरह यहाँ से आगे पास कराया जा रहा है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। एनएच खुलने में थोड़ा समय लग सकता है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं पंकज पाठक, डिजिटल के लिए। बहुत डेंजर है मालूम है। अगर एक बार छह मॉल जी नारायण सिंह नाम है सर हमारा, हम तो एक हफ्ते से फंसे हैं, क्या करें, ऐसी है। रोटी बनाने तक बंद हो जा रहा है, उसको खोला जाए, कहीं खुल भी रहा है तो ये खाली गाड़ियों को जाने दिया जाए ना, खाली फंसे हैं लोग। लोड गाड़ी तो चलो एक बार नहीं आ रहे, खाली गाड़ी वाले तो खाली फंसे थे, दिक्कत है इधर ना, खाना पीना का भी ऐसा ही हो रहा है। भाई साहब, मैं प्रकाश, ये डाक गाड़ी में चलते हैं विक्रम भाई और हम दो चलते हैं इसमें पिथौरागढ़ से टनकपुर। हमारी डेली सर्विस है पिथौरागढ़ टनकपुर डाक सेवा, डाक खाने की गाड़ी है। कल से फंसे हैं यार रस्ते में, कल तो हमें चंपावत में रोक दिया गया था, अभी हमें कहा गया कि धौन तक डाक डिलीवर करके आओ, हम डाक ये धौन तक की बीओ की डाक हम डिलीवर करके कर दिए हैं हम यहाँ पर। आगे रास्ता खुलने की उम्मीद बता रहे हैं, 12 बजे तक छोटी गाड़ियाँ खुल जाएगी कह रहे थे, तो कह रहे हैं कि एनएच वाले कह रहे थे कि हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे जैसे ही रोड खुलेगी, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं आगे, ताकि यातायात वो सुचारू करने में कोई दिक्कत ना हो। सोन सिंह है और मैं नवोदय विद्यालय का छात्र हूँ और कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, और मैं अभी बीमार था तो इसी सिलसिले में गांव छुट्टी पे था, तो अभी हम यहाँ से नवोदय विद्यालय जा रहे हैं और हम रास्ते में बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। अब यहाँ तक हम पैदल आए हैं और आगे भी पैदल जाने की सोच रहे हैं, और आगे भी रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है रास्ते में। नाम अनीस है, मैं टनकपुर से आ रहा हूँ। रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब है, पैदल थोड़ी दूर तक पैदल आया, थोड़ी दूर भांग का खाना मिला, कहीं रास्ता बंद थी, सुबह का चला हुआ हूँ, अभी तक मैं आधे रास्ते में ही पहुँचा हूँ और तुम्हें बहुत मुझे जाना है, ये मेरे ड्यूटी का समय है, मुझे जाना ज़रूरी है। रास्ता की स्थिति बड़ी ख़राब है, गाड़ी मिल नहीं रही है, कुछ है नहीं, पैदल यात्रा ज़्यादा करनी पड़ रही है जी। सर हम बरेली से आए थे CID का सामान लेकर, एमएच था, हम शुक्रवार से फंसे हैं, हम खाली करके आ गए, परसों रोड खोल दिया था और परसों से हम वापस आए थे, हम कल से ही आए, तो आज 7 दिन हो हमारे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।